विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुरादाबाद के काट रोड रामगंगा विहार स्थित पार्क में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के बैनर तले पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को भी खूबसूरत अंदाज में मनाया गया। मुरादाबाद के काट रोड पार्क में एकत्रित हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर खुशी का इजहार किया गया और केक काटकर सभी के द्वारा एक दूसरे को बधाइयां दी गईं। कार्यक्रम में मौजूद रहे वक्ताओं द्वारा कहा गया कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, तो वहीं आज पर्यावरण दिवस भी है। दो कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। बाबा आदित्यनाथ को मुबारकबाद पेश की जा रही है, तो वहीं पर्यावरण को बचाने का संदेश पौधारोपण कर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के बाबत जब संस्था के पदाधिकारी से बात की गई, तब उनके द्वारा बताया गया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी। उनके जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदीप सक्सेना द्वारा बताया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा आज यह हमारे द्वारा माननीय योगी जी का जन्मदिन है 49वां, उसको मनाया जा रहा है और आज पर्यावरण दिवस भी है। हमने योगी जी को जन्मदिन के में आज पर्यावरण दिवस पे दोनों को साथ में कंबाइंड करके आज योगी जी के जन्मदिन पर पेड़ जो है पेड़ का वितरण भी किया है और हम जाकर एक यहाँ पे कुंवर इनके पार्क है वहाँ पर पेड़ लगाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण? देखिए, पर्यावरण में संदेश तो मैं देना चाहता हूँ। अभी आप लोग कोरोना काल से निकले हैं, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि हम लोग पेड़ लगाते नहीं हैं, पेड़ काटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का कम से कम 48 सेल्सियस करीब का तापमान चल रहा है और उसमें करीब आपका सोदिया में अरब साइड में कम से कम 52 डिग्री सेल्सियस मांगा रहता है तापमान। अगर यही स्थिति रही तो हमारा बहुत दिन दूर नहीं है कि हमारे यहाँ की भी स्थिति हो जाए और जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे हाथ पैर जलना शुरू हो जाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ लगाने के लिए बोला था और उन्होंने एक भय पैदा वातावरण भी पैदा करा था उसके अंदर कि अगर कोई पीपल के पेड़ को काटेगा तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। एक उनकी सोच थी, इससे आदमी उस पेड़ को कभी काटते नहीं था, वो ऑक्सीजन देता था और पेड़ लगे रहते थे। आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि वो पेड़ों को भी नहीं छोड़ता, पेड़ भी काट देता है। जबकि आज आप देख रहे हैं कि मई की गर्मी में इतनी ज़बरदस्त गर्मी है कि आज लू के थप्पड़े हो रहे हैं। मैं आपसे बस इस आज हम कोरोना इनक्लेव में यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, इससे पहले हमारी संस्था द्वारा डीएल पर्लो पार्क में पेड़ लगाए हैं और हम आज हमने ठेले पे पेड़ के रखे हैं और ये हम घर घर लेके जाएंगे और सबको एक एक पेड़ योगी जी की जन्मदिन पर सबको उपहार स्वरूप देंगे। कार्यक्रम की बाबत जब समाज सेविका नीतू सक्सेना से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज हम सब पार्क में एकत्रित हुए हैं और वृक्षारोपण कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए संदेश देने का काम किया जा रहा है। हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और यहाँ पर एक पार्क है, उसमें हम पौधे लगाएंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी हैं, सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पौधे बहुत ज़रूरी हैं, प्रकृति है तो जीवन है, ये सबको अच्छी तरह पता है। कोरोना काल में आप देख रहे हैं कितनी महामारी हुई है, कितना वो फैला हुआ था, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया। मैं ये सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि पौधे और जल दोनों ही ज़रूरी है, उसकी रक्षा करें। धन्यवाद।